मोटो का नया स्मार्टफोन मोटो एज 40 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 की लिस्ट में आ सकता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में भी कुछ मेजर कमियां हैं और उनके बारे में कोई भी यूट्यूबर ठीक से बात नहीं कर रहा। बट डोंट वरी, आपका भाई आपको सब चीज़ें डिटेल में बताएगा। बस आप सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे और वीडियोज़ को आप मिस ना करो। स्टार्ट अगर प्राइस से करें तो इस फोन का केवल एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है, 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज एंड इसकी प्राइसिंग है 30,000 रुपीज़। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इस फोन में ना ही कोई SD कार्ड लगता है और केवल सिंगल सिम के साथ आता है। दूसरा ई सिम का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब फ्रंट डिस्प्ले से बात करते हैं तो फोन में सामने की साइड 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज़ का एक 3D कर्व्ड POLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। अब ये नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं, बट अगर आप 30,000 रुपीज़ के हिसाब से देखते हो तो ये डिस्प्ले बहुत अच्छा निकल के आता है। साथ में ये HDR 10 प्लस के सर्टिफिकेशन के साथ आता है। 1200 निट्स का यहाँ पे पीक ब्राइटनेस है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, जो कि अच्छी बात है, नहीं तो कुछ कंपनियां 30,000 में भी AMOLED डिस्प्ले देने के बाद साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर चिपका देती हैं, तो उससे तो बढ़िया है। ओवरऑल अगर आप डिस्प्ले वगैरह की बात करते हो तो मोटो के डिस्प्ले जो POLED वाले वो काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे भी बेजल्स वगैरह काफ़ी कम है, 92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड GCI P3 कलर गैमेट को भी सपोर्ट करता है। तो 30,000 में जनरली डिस्प्ले फोन के काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको ऐसे कोई शिकायत वाली बात नहीं मिलेगी एंड ये भी कोई अलग नहीं है। यहाँ पे भी डिस्प्ले जो मोटो ने यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का यूज़ किया है। साथ में मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस और बेटर करने के लिए यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जो कि डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के साथ आते हैं। एंड मोटो के रिसेंटली मैंने काफ़ी फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स टेस्ट किए हैं, भाई सच में इनके स्पीकर्स वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, एकदम इंडस्ट्री लीडिंग है। आप 20,000 के किसी भी मोटो का फोन का स्पीकर टेस्ट करिए, आपको उस प्राइस का वो बेस्ट लगेगा। एंड आई गेस कि यहाँ पे भी जो स्पीकर की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया हमको देखने के लिए मिलेगी। अगला अगर डिज़ाइन की बात करते हैं तो पहली बार मोटो ने इस प्राइस में, एंड आई थिंक ये इकलौता फोन होगा नथिंग फोन 1 को छोड़ के, जो कि मेटल फ्रेम के साथ आता है। यहाँ पे मेटल का फ्रेम है एंड इस बार थोड़ा सा कुछ मोटो ने अलग करने की कोशिश की है। जो एज सीरीज जो रहती है ना, एज 30 जो एज 20 वाली जो सीरीज रहती है, एज नंबर सीरीज जो रहती है, वो स्लिम फोन और लाइट फोन्स बनाने के लिए जानी जाती है। अब ये वाला फोन काफ़ी हल्का है, काफ़ी पतला है, तो इसी वजह से यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम है। 4400 mAh की फोन में बैटरी दी गई है और साथ में 68W की वायर चार्जिंग है और ये फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो कि 15W की है, तो वहाँ पे भी मतलब काफ़ी बढ़िया टेस्ट दिया है, ये थोड़ा प्रीमियम साइड चला जाता है। अब यहाँ पे ही पहली कमी फोन की निकल के आती है, कोई भी स्मार्टफोन जिसमें 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, अगर आप उसको 50% ब्राइटनेस से ऊपर चलाओगे और फोन में अगर 4400 mAh का बैटरी है ना, तो फोन 5 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं टिकेगा। मैं सही बता रहा हूँ दोस्त, 120 हर्ट्ज के जो डिस्प्ले होते हैं वो भी 5000 mAh की बैटरी को 6 घंटे से पहले ही गिरा देते हैं। तो अगर आप बैटरी सोच रहे हो कि अच्छी बैटरी वाला फोन लूँगा, तो ये मोटो एज 40 आपके लिए नहीं है। बट डिज़ाइन में एक चीज़ जो कि काफ़ी अच्छी की है और लोग उसके बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं एंड मोटोरोला भी उसको काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर रहा है, वो है ये वाला फोन IP68 की रेटिंग के साथ आता है, जो कि मतलब फोन को आपको वाटरप्रूफ बना देता है। इस फोन इस जो रेटिंग है IP68, इसके थ्रू आप अगर आपका फोन आधे घंटे तक पानी में गिर जाता है 1.5 मीटर तक की हाइट पे, तब भी आपका फोन सही रहेगा, सलामत रहेगा। तो ये एक प्रीमियम टच है, बट रियल लाइफ में अगर बात करते हो तो एक दो बार आपका फोन बच सकता है, बट ऐसे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इस फीचर को यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। अब फोन से इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे MyUX चला हुआ है और जो कि क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होता है और मोटोरोला की खुद की स्किन आप बोल सकते हो या फिर आप स्टॉक एंड्रॉइड बोल सकते हो, मतलब सस्ता पिक्सल आप इसको बोल सकते हो डेफिनेटली। अब यहाँ पे अच्छी बात है कि ना ही कोई एड्स है, ना ही कोई ब्लोटवेयर है और रिसेंट कुछ फोन में मोटो ने थोड़ा सा ब्लोटवेयर घुसेरने की कोशिश की थी, बट इस फोन में उनको नहीं डाला है। बस एक केवल मोटो हब करके एक आपको पेज मिलेगा जहाँ पे डेली लाइफ के जो न्यूज़ वगैरह हैं, जो पॉडकास्ट वगैरह हैं, जो ऐसी चीज़ है वो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखती रहेगी। इसके अलावा काफ़ी क्लीन UI है और यहाँ पे मोटो सिक्योरिटी करके भी आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अगर अपने फैमिली स्पेस क्रिएट कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह को हायर कर सकते हो, सिक्योर फोल्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देने की कोशिश की है। अब ये MyUX Android 13 पे रन कर रहा है और मोटो का कहना है कि हम इसमें 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच की अपडेट देंगे। अब इस प्राइस के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, यहाँ पे इस प्राइस में इससे भी अच्छे निकल के आते हैं, बट ये मेरे को इस फोन की दूसरी बड़ी कमी लगी है। अब कमी बताता हूँ, देखो 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच ऐसे बुरी चीज़ नहीं है, मैं मान रहा हूँ अगर कंपनी इतना भी दे दे तो काफ़ी बढ़िया बात रहती है, बट मोटो की जो रीसेंट हिस्ट्री है ना वो बहुत बेकार है अपडेट्स के मामले में। इनके जो इंडिया में सबसे महंगे फ़ोन है एज 30 फ्यूजन और एज 30 अल्ट्रा, जो कि 50-55 हज़ार वाले फ़ोन है, उनको भी अभी तक एंड्रॉयड 13 का अपडेट नहीं मिला और इनके जितने भी फोन हैं वो अभी मई चल रहा है, ज़्यादातर फोन जनवरी और फरवरी के सिक्योरिटी पैच पे हट के पड़े हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है और कंसीडरिंग द प्राइस 30,000 रुपीज़ के स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइमली आने ही चाहिए। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बढ़िया है, आपको लैग जिटर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ मिलेगा, बट जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आप चाहते हो कि एक 30,000 रुपये का फोन है तुरंत 1 महीने लेकर निकलते ही अगले महीने का सिक्योरिटी पैच आ जाए, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये इस प्राइस का वैसे कोई सुपर परफॉर्मेंस वाला फोन नहीं है, आप इसको एवरेज परफॉर्मर या फिर बिलो एवरेज परफॉर्मर ही मान सकते हैं। अब नया प्रोसेसर यूज़ किया है 6 नैनोमीटर बेस्ड Dimensity 8020 यूज़ किया है, ये Dimensity 1100 का रीब्रांडेड वर्जन है, बस अंतर ये है कि Dimensity 1100 कभी इंडिया में किसी फोन में देखने के लिए नहीं मिला था। अब यहाँ पे 8GB की LPDDR4X रैम है और साथ में 256GB की यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज है और इन सब के कॉम्बिनेशन से ये AnTuTu बेंचमार्क में करीब करीब 6.5 लाख हिट कर देता है।
अब 30,000 के प्राइस के हिसाब से आपको एक आइडिया दे दूं, अभी रिसेंट पोको F5 लॉन्च हुआ था जो कि स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 1 के साथ लॉन्च हुआ था, तो उसका जो Antutu स्कोर है वो करीब 9.5 लाख आता था, और स्नैपड्रैगन 870 जो कि इस प्राइस के बहुत सारे फोन्स में हमने रिसेंट में देखा है, तो वहाँ पे जो Antutu स्कोर है वो करीब 8 लाख के ऊपर आता है और ये स्कोर करता है 6.5 लाख। तो परफॉर्मेंस में ऐसे कोई टॉप नॉच परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है, बट ये है कि स्टॉक एंड्रॉइड है, मोटो का फोन है, तो आपको डे टू डे लाइफ के तो किसी भी काम में दिक्कत नहीं होगी, और बेसिकली डे टू डे लाइफ के जितने भी काम होते हैं वो एक 20,000 रुपये का फोन भी काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। अब लास्ट कैमरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे मोटो का जो सिलेक्शन है वो मेरे को काफी बढ़िया लगा। ये फोन डुअल बैक कैमरा सेटअप के साथ आता है और यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि OIS के साथ आता है, और यहाँ पे जो एपर्चर है वो काफी वायर है, F1.4 का है, जनरली ये इस प्राइस में देखने के लिए नहीं मिलता, जो मैगे फ्लैगशिप होते हैं 80,000-1 लाख वाले वहाँ पे ये एपर्चर देखने के लिए मिलता है, और इससे होता है कि जो लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है, लो लाइट में जो आप फोटोज निकालोगे या फिर वीडियोस निकालोगे वो काफी लाइट आएगी, उनमें काफी अच्छी तरीके से वो फोटोज और वीडियोस निकलेंगे। साथ में एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो कि इस प्राइस के काफी फोन स्किप कर रहे हैं आजकल, मतलब 30,000 में भी फोन नहीं दे रहे यार, काफी बुरा लगता है ये देख के। और 32 मेगापिक्सल की यहाँ पे सेल्फी है। अब कैमरा कैसा परफॉर्म करता है वो तो कुछ दिन बाद जब इसके रियल लाइफ के जो कैमरा का टेस्ट है, कैमरा कंपैरिजन है, वो सब चीज आएंगी तब पता चलेगा, बट ऑन पेपर स्पेक्स जो है वो काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे एक मोटो का फोन में एक एडवांटेज और मेरे को देखने के लिए लगा कि आप इसके फ्रंट कैमरा हो या फिर बैक के दोनों कैमरा हो, हर कैमरे से आप 4K 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि इस प्राइस के दूसरे फोन जनरली नहीं दे पा रहे। 1080p 30fps फ्रंट में मिलते हैं, लेकिन इस फोन से आप 4K 30fps 4K तीनों कैमरे से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और 1080p 30fps ये सब चीज़ें तो आप रिकॉर्ड ओबियसली कर सकते हो। कैमरे के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जाना है तो कुछ दिन आप वेट करिए, उसके कंपेरिजन वगैरह आ जाएंगे, तब आप कैमरे को अच्छी तरीके से जज कर पाएंगे। लास्ट सर्विस की बात करते हैं, तो देखो मोटो का किसी भी ब्रांड का आप अगर फोन लेते हो तो सबसे पहले आपको अपने एरिया में चेक कर लेना चाहिए कि उसका सर्विस सेंटर है या फिर नहीं है। मोटो की सर्विस क्वालिटी एवरेज टाइप ही है, ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, तो आप देख लेना कि आपके एरिया में सर्विस है या फिर नहीं। अब लास्ट कंक्लूजन की बात करता हूं, तो देखो इस फोन में जो दो चीज़ें मेरे को बेकार लगी, पहला तो ये कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स बहुत लेट आते हैं भाई, अभी के टाइम पे इनका हाल बहुत गंदा है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में, और दूसरा जो मैंने ऑलरेडी बताया कि बैटरी लाइफ आपको उतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगी, रीज़न वही है कि 144Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है, और साथ में यार बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी कम है। आई नो कि चार्जिंग फास्ट है तो चार्ज जल्दी आप कर लोगे, बट जो बैटरी लाइफ आपको मिलेगी वो नहीं मिलेगी, और साथ में जो परफॉर्मेंस है वो भी एवरेज टाइप है, अब मैं कमी नहीं उसको बोल रहा बट एवरेज है, ऐसे सुपर परफॉर्मेंस वाला फोन आपको देखेगा नहीं मिलेगा। ओवरऑल तो कंक्लूजन लें या फिर ना लें तो उसका तो ये है कि अगर आपको मोटो का फोन चाहिए, अच्छा मोटो का फोन चाहिए, तो आप इसको ले सकते हो, नहीं तो आप कुछ दिन वेट करिए, मेरे को जहाँ तक लगता है इस फोन की प्राइस 25,000 तक घट के आ जाती है। लास्ट टाइम वाला जो मोटो A30 था वो भी 28-30 हज़ार के करीब लॉन्च हुआ था, बट आसानी से 23,000 रुपये में देखने के लिए मिलता रहा, तो यही है कि अगर आपको लेना है तो कुछ दिन आप वेट कर लीजिए। बाद बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, और अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे और वीडियोज़ मिल जाए, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।